welcome to my YouTube channel and my next new blog. तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप जान रहे हो, ये फिर से एक बार लाउड स्पीकर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है. बार बार हर साल देखिए, जब से वो भी बीजेपी सत्ता में आई है तब से मतलब मंदिर यार ये तो मुद्दा मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल आम सा हो गया. हर चीज़ घर पे वार करना, कभी लाउड स्पीकर पे बात करना, कभी मतलब हिजाब पे बात करना, कपड़े पे बातें करना, जींस टॉप को लेके मतलब कोई ना कोई मुद्दा आपको देखने को मिलेगा. कभी मंदिर मस्जिद, यहाँ पे मंदिर होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए. तो चलो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. तो जैसे कि प्रॉब्लम उनको लाउड स्पीकर से नहीं है, बिल्कुल लाउड स्पीकर से नहीं है उनको ना. असल प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे 5 टाइम मुस्लिमों की नमाज होती है तो उनको ना मतलब कहीं ना कहीं ना उनको खटकता है कि जैसे कि मुस्लिम जो होते हैं उनका 5 टाइम के नमाज का वक्त होता है, ठीक है. वो अजान होती है तो फिर वही सुन के ना हर घर में अजान की आवाज़ जाती है, वो सुन के वो फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है. 5 टाइम असल मुद्दा ये, वो सोच रहे ना कि मतलब बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना चाहते हैं. बाकी अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं भारत मतलब वो जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी कोशिश है. त्योहारों में इतने तेज लाउड स्पीकर बजते हैं, आप क्या सोना चाहो ना, कोई पेशेंट हो ना तो बिल्कुल उसकी जान तो लाउड स्पीकर की वजह से ही चली जाती है. उनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, इनको शादियों में प्रॉब्लम. तो बोलते फिर ये बोलेंगे शादी एक जैसा माहौल है, वहाँ जश्न होना चाहिए. लाउड स्पीकर बैन का तो सब जगह से बैन करो ना यार. मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में करो यार, मस्जिद उसमें नहीं, मंदिर का मुद्दा ठीक है वो तुम बैन करो, लेकिन फिर बैन हर जगह से होना चाहिए. जैसे कि फिर ये ये जो दुर्गा पूजा होती है इसमें भी आप देखो कंपटीशन होता है, कितना लाउड म्यूजिक होता है. और ये जैसे कि दशहरे आते हैं और तो फिर ये मतलब जब ये मूर्तियों को बहवाने मूर्ति विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो कितना तेज लाउड स्पीकर होता है 3 दिन तक. मतलब इतना मतलब आपको मतलब होते ना वो भी हर जगह बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं. आपको यहाँ नहीं, आपका घर क्या बोलते हैं 50 मीटर की दूरी पे रहो तो वहाँ तक आवाज़ जाती, इतना शोर 3 दिन. वो लाउड स्पीकर से आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नहीं बैन करना है. आपको जो शादियों में लाउड स्पीकर बैन करने थे वो आपको नहीं बैन करना है. आपको सिर्फ मतलब है ना, आपको सिर्फ बैन करना है सिर्फ कि मतलब कि मस्जिद पे सब आपको हमला जो भी बोलना है ना, आप सिर्फ मस्जिदों के लिए, सिर्फ मुस्लिमों के लिए जो भी आपको सब कुछ रूल रेगुलेशन जो भी सब कुछ डिस्टर्बेंस है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है. मतलब नॉइज़ पोल्यूशन तो क्या दीवारों में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है? या फिर क्या बोलते हैं जो नवरात्र वगैरह में इतना तेज लाउड म्यूजिक भक्ति गीत वगैरह बजते तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता? बैन करना है तो आप बैन कीजिए ना, हर जगह पर आप लाउड स्पीकर बैन कीजिए. लाउड स्पीकर कहीं बजना ही नहीं चाहिए फिर. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ बैन करना है मस्जिदों पे सिर्फ. और अगर हाँ, अगर बैन भी किसी तरह चलो मान लो हो जाता है तो फिर ये होगा कि जब कोई त्यौहार आएंगे जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ और ये आपका होली हुआ. होली में तो बिना म्यूज़िक के होली होती ही नहीं. अभी देखो इलाहाबाद में होली हुई थी तो डीजे बज रहे थे हर मोहल्ले में, मतलब इतना कचप का डीजे बजता है, इतना तीव्र डीजे कि ओ माय गॉड, हर घर घर में मतलब हर मोहल्ले में 4-5 डीजे लगे होते. तो सोचो 4-5 डीजे लगे होते ना, ये हाल होती है ना कि होती ना ज़मीनें हिलने लगती, ज़मीनें वाइब्रेट करने, खिड़कियाँ होती ना खिड़कियाँ वाइब्रेट करने लगती, इतना तेज लाउड डीजे बजता है. उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है. आपको प्रॉब्लम है ना जब कुछ स्लो 5 टाइम की कुछ सेकेंड की अजान होती, उससे आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो आपके कान में जाता है तो इतने ज़्यादा नफरत है ना कि वो आपको सुना नहीं चाहता, उससे आपको प्रॉब्लम है. ये जो और हाँ चलो बैन भी हो जाएगा ना तो सिर्फ वो मुस्लिमों के लिए होगा. कोई भी हिंदुओं का त्यौहार आएगा तो क्या होगा, वो हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वो कैसे नहीं मनाएंगे? बिल्कुल एक दिन के लिए हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, हमारी आस्था है इसमें कि क्या कहते हैं म्यूज़िक बजनी चाहिए, भक्ति गीत होते हैं, हमारा त्यौहार साल भर में एक बार आता है तो ये सब चीज़ें फला आपको सुनने को मिल जाएंगी. तब इनको बिल्कुल नॉइज़ पोल्यूशन नहीं समझ में आएगा, तब इनको बिल्कुल लाउड स्पीकर पर बैन नहीं करना. कह रही बैन कर दो. और रहेगी दूसरी बात, जैसे कि ये भी मुझे बहुत बुरा लगा कि नवरात्र पे जैसे कि मीट को बैन कर दिया गया, वो भी खासकर रमज़ान में. तो एक होता है ना, आपने एक धर्म विशेष का इतना ज़्यादा ध्यान दिया, उसकी आस्था का आपने ध्यान दिया कि मतलब नवरात्र में आपने मीट बैन कर दिया, ठीक है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मीट बैन कर दिया, तो इस पर भी चलो कुछ बात कर लेते. यार एक बात बताऊँ आपको, उनकी आस्था दिखी, ठीक है, उनके 9 दिन का उनका नवरात्र होता है, ठीक है, उनकी आस्था इतनी ज़्यादा दिखी कि आपने मीट बैन, आपने मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचा क्या? वो आपके लिए मायने नहीं रखते या वो भारत के निवासी नहीं है? आपने नहीं सोचा कि मुस्लिम वो रोज़ा रहता है, खाना खाते हैं, मुस्लिम वेज ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, वो नॉन वेज खाते हैं. ये बैन करने का सिस्टम समझ में नहीं है. आपने 9 दिन की जो व्रत था आपने उसके बारे में उसकी इतनी आस्था थी, जो मुस्लिमों का 1 महीने का रमज़ान चलता उसकी कोई आस्था नहीं. आपको फिर भी नवरात्र में
किस कहते हैं फल फ्रूट खाते रहते हो, दिन भर खाते रहते हो फल या फ्रूट्स है और क्या कहते हैं ये आलू सब कुछ खाते पीते रहते हो, ठीक है पानी भी पीते हो। अपने मुस्लिमों को सोचा वो बिल्कुल 5 बजे के 4 के बाद से बिल्कुल नहीं खाते हैं, 12-13 घंटे का वो फास्ट रखते हैं, 12-13 घंटे भूखे रहना, कहते हैं एक घूंट भी थूकी भी चली जाए ना तो फिर रोज़ा आपका टूट जाता है। आपने उनकी आस्था के बारे में नहीं सोचा, आपको उनकी आस्था याद नहीं है, उनका खाना पीना नहीं है, 9 दिन की आस्था के लिए आपने इतना बड़ा कर दो जो आज तक नहीं हुआ यार। मतलब किसी खाने पीने पे हमारा संविधान भी हमें हक देता है कि चाहे 9 दिन हो चाहे हमेशा के लिए हम क्या खा सकते हैं, हमारा जो मन करे हम खा सकते हैं पी सकते हैं। आप एक नई चीज़ आप योगी सरकार आई तो हिंदुओं को खुश करने के लिए, ये सब तो सभी पॉलिटिक्स है, हिंदुओं को खुश करने जिन्होंने उनको वोट दिया करके दिखाना था ना कि देखो हम हिंदुओं के पक्ष में, अगर आप हमें हिंदू सपोर्ट कर रहे हो और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लोग आगे जा रहे हैं तो देखो हमने मतलब आपकी आस्था के लिए मुस्लिमों की आस्था को निचोड़ दिया, मार दिया, उनको दबा दिया। और बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा हीन भावना मुस्लिमों के प्रति रखते बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे कि 9 दिन के, चलो 9 दिन के लिए सही मुस्लिम को खाने पहने को, वो भी रमज़ान के टाइम में उनका मीट बैन हो गया, उनके घर में महीने भर मीट ही बनता है, चाहे वो मटन हो चाहे वो चिकन हो वो वही खाते हैं, चिकन सारी डिशेज उनकी उसकी ही बनती, उस पर उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है पूरा फुल्ली स्टॉप लगा दिया। तो यार क्या बोलूँ यार, जब वहाँ से बैन करो, मेरा मानना बैन करो तो शादी ब्याह के जो और त्यौहार जितने भी आपके हिंदुओं के त्यौहार होते हैं बिना बैंड बाजे बिना डीजे से, तो उनके कोई त्यौहार चाहे उनका शादी कह लो त्यौहार कह लो उनके कोई त्यौहार भी हमें माफी चाहेंगे पहली बात तो। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है सच होता है, आप भी खुद बताओ आपके कोई त्यौहार बिना डीजे के नहीं होता है, बिना शादी ब्याह कोई भी यार आपका त्यौहार है कुछ भी देख लो, कोई छोटा से छोटा त्यौहार हो बड़ा से बड़ा त्यौहार बिना डीजे बिना म्यूजिक का कोई त्यौहार होता ही नहीं है। फिर इनको मूर्ति भी इनके दीपावली दशहरा आते हुए भी लाउड इनको स्पीकर पे बिल्कुल गाने बजाने हैं, ठीक है हर जगह इनको गाने बजाने होते हैं, मूर्ति विसर्जन करना तो उनको बैंड बाजे इनको बिल्कुल बजाने होते हैं, घंटा मुस्लिम है कुछ भी बजाते रहो। सबसे बड़े मैं तो बात करूँगी सबसे बड़े दोगले जो मुस्लिम है ना, सबसे बड़े दोगले तो ये जब इनकी बारी आती है वोट देने का तो इनका दिमाग ना होता है काम करना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इनको वोट ना अपनी पार्टी को नहीं देना होता, ये तो सबसे बड़े दुश्मन तो मुस्लिम खुद के ही अपने। जब तुम खुद अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल फिर ऐसे यही होने वाला है। तो फिलहाल मैंने अपनी बातें रख ली, अगर आपको किसी भी धर्म विशेष को मेरी बातें कोई बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा इरादा बिल्कुल किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं है, और मैं कुछ बुरा लगा आपकी भावनाओं को ठीक है, क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत जल्दी ज़्यादा आपकी जो भावनाएं होती है वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है, तो फिर भी उस जो बहुत जल्दी आहत हो जाती है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर आपको कोई मेरी बातें बुरी लगी हो। और अगर हाँ मेरा क्या कहना है, आपको मेरी बातों से कितने सहमत हो आप अपने कमेंट में मुझे बताना, लाउड स्पीकर के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या अगर बैन होना चाहिए तो हर जगह पर बैन होना चाहिए, चाहे शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो कोई त्यौहार हो चाहे हिंदू के हो मुस्लिम को, हर जगह बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल आप बैन करो, कहीं भी लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ के साथ मैं अपनी वीडियो को ये एंड करती हूँ, मुद्दा था हर किसी को इस पर बात करनी चाहिए, मुझे भी लगा मैंने बहुत 2-3 दिन से मैं सुन रही थी, मैं सुन सुन के मुझे लगा कि मैं भी अपनी बात रखूँ तो मैंने अपनी बात रखी है। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट में जरूर करके बताऊँ। ओके बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।